समीपस्थ ग्राम पटना बुजुर्ग विगत लंबे समय से सफलतापूर्वक संचालित शैक्षणिक संस्थान वीर विद्या निकेतन हाई स्कूल पटना बुजुर्ग में भारतीय आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर सुबह 7:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज का रोहण संस्था संचालक श्री राम अवतार दुबे के निर्देशन में ग्राम के प्रमुख पंकज मोदी के द्वारा संपन्न हुआ। उपरोक्त ग्राम के प्रमुख मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। बस स्टैंड पटना बुजुर्ग में देशभक्ति की चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। रैली से देवभूषण दुबे की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ राजधानी से देवभूषण दुबे। आज मैं पहुंचा हूं रहली विधानसभा क्षेत्र की संस्थान वीर विद्या निकेतन हाई स्कूल पटना बुजुर्ग में। वहां पर बच्चों द्वारा गरिमापूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे बच्चों का जज्बा कम नहीं हो रहा है। इसी को लेकर आज हम हमारे वीर विद्या निकेतन शिक्षण संस्था के संचालक श्री राम अवतार दुबे जी से हम चर्चा करेंगे। श्री दुबे जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाला परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के अवसर पर आप देशवासियों को क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत माता की जय। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हम आज़ादी की श्रृंखला की 75वीं वर्षगांठ हम अपने संस्थान वीर विद्या निकेतन स्कूल पटना बुजुर्ग में सानंद पूर्वक मना रहे हैं। आज चूँकि आज़ादी का दिवस 15 अगस्त है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम अपने संस्थान के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और ग्राम पटना बुजुर्ग के सभी निवासियों के लिए, भारत देश के निवासियों के लिए शुभकामना देना चाहेंगे। सभी को 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और 15 अगस्त पर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखता हूं, क्योंकि विगत 2 वर्ष पूर्व से हमारे देश में कोरोना का संकट था। हम अपने बच्चों से बहुत दूर थे, हम अपने छात्र छात्राओं के पास नहीं आ पा रहे थे, वजह थी कोरोना की। आज हम हर्षोल्लास के साथ में अपने बच्चों के बीच में हैं, अपने छात्र छात्राओं के बीच में हैं, अपने शिक्षक परिवार के बीच में हैं और सानंद पूर्वक हम अपना राष्ट्रीय पर्व, भारत देश का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आनंद पूर्वक मना रहे हैं। इस अवसर पर कहना चाहेंगे अपने छात्र छात्राओं से कि सच्चाई और अच्छाई का मार्ग ही जीवन में विकास का मार्ग होता है, और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए हम अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।